मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक वाक्य से आज लोग हक्के बक्के रह गए। एक सरकारी इमारत का उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन करने आई मंत्री नाराज होकर चली गई। लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने अफसरों को जमकर डांट लगाई, ट्रांसफर करने, नौकरी खतरे में डालने की धमकी तक दे डाली। पूरा माजरा क्या था आपको दिखाते हैं। उद्घाटन की पूरी तैयारी हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी वक्त पर गई थी। शिलापट के सामने पूजा भी हो चुकी थी। आईटीआई का भवन मालाओं गुब्बारों से सजा धजा था। ठेकेदार से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक मंत्री के चरणों में नतमस्तक थे। लेकिन काम की क्वालिटी देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया। वो अधिकारियों पर बरस पड़ी। उन्होंने इंजीनियर को ट्रांसफर की धमकी दे डाली। ये वाक्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है। यहाँ आईटीआई का नया हॉस्टल बना था। मंत्री साहिबा को आज इसका उद्घाटन करना था, लेकिन जब मौके पर पहुँच के उन्होंने अपनी आंखों से बिल्डिंग का काम देखा तो गुस्से से तमतमा गए। सुनो, पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके नाम से निकली है स्टोर से, तो वो कहाँ चले गए, और अगर उसने कहीं और लगाई तो उसकी नौकरी जाएगी। यशोधरा राजे सिंधिया ने मौके पर ही सारे अधिकारियों को तलब किया। कह दिया कि जब तक हॉस्टल का काम दुरुस्त नहीं किया जाएगा वो उद्घाटन नहीं करेंगी। इतना कहकर यशोधरा राजे बिना लोकार्पण के वहां से निकल गई। सारी की सारी तैयारियां धरी रह गई। शिलापट, मालाएं, गुब्बारे सब जहां के तहां। बाद में जब यशोधरा से नाराजगी की वजह पूछी गई तो बोली कि उनके कार्यकाल में जो भी निर्माण कार्य हो उनके 50 साल तक बने रहने की गारंटी होनी चाहिए। मेरे कार्यकाल में क्या मैंने ऐसी चीजें खड़ी की जो 50 साल या 100 साल के लिए खड़ी रहेंगी? जब मैं ठीक काम देखती नहीं हूँ, जैसे आप अगर खिड़की बना रहे हो तो खिड़की टेढ़ी बनाओगे तो क्या मुझे पसंद आएगा क्या? आप अपने घर में टेढ़ी खिड़की नहीं बनाओगे तो आप यहाँ कैसे बना रहे हो? कैसे आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हो कि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो मंत्री साहिबा खफा हो गई, बनी बनाई इमारत अधर में लटक गई। उद्घाटन कब होगा पता नहीं। उमाशंकर शर्मा, इंडिया टीवी, शिवपुरी।